क्या थी सलमान खान स्टारर इस फिल्म की कुछ रहस्यमयी बातें? क्या इस फिल्म में ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन एक साथ देखी जा सकती थी? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा और हाँ, हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज और मैं हूँ आपके साथ शिवानी शुक्ला। हमारे देश में ब्यूटी पेजेंट विनर्स को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है। ये ब्यूटी विद ब्रेन्स जिस दशक में क्राउन को देश में लाती है, उस दशक के सारे बच्चे उनसे प्रेरणा लेते हैं। सबसे पहले 63 में रीटा फारिया ने मिस वर्ल्ड जीता था, मगर उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। बाद में जब 1994 में इंडिया ने इतिहास रच दिया मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड टाइटल एक साथ लाने में, तब पूरा देश गर्व से और दीवानगी में पागल हो गया था। सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय को लोग अपने दिलों में देवियां मानने लगे थे, और क्योंकि दोनों फिल्म इंडस्ट्री में आने वाली थी, दोनों को मीडिया ने बहुत कंपेयर किया। सब चाहते थे कि पेजेंट के बाद भी फिर से एक बार ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन एक फिल्म में साथ नजर आएं, मगर लोगों का ये सपना पूरा होते होते रह गया। ऐश्वर्या राय को सलमान खान अपनी फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे में लीड हीरोइन के रूप में लेना चाहते थे, मगर फिर बात नहीं बनी क्योंकि तब एक इंटेंस रोमांटिक रिलेशनशिप में रहने वाले सलमान और ऐश का ब्रेकअप हो चुका था। सलमान के साथ ब्रेकअप ने ऐश को प्रोफेशनली बहुत हार्म किया था। एसआरके के साथ ऐश चलते चलते में काम ऑलमोस्ट पूरा कर ही चुकी थी कि मगर बार बार सलमान आकर सेट्स पर ऐश को डिस्टर्ब करते थे, तो एसआरके ने फिल्म से ऐश को निकलवा दिया। ऐश को इस वजह से बाद में वीर ज़ारा और तुमको ना भूल पाएंगे जैसी फिल्मों की कुर्बानी देनी पड़ी। जी हाँ, हैप्पी न्यू ईयर भी ओरिजिनली 2006-07 में बनने वाली थी, मगर शेल्फ किया गया था फिल्म को। फिर सलमान ने 2000 में भारत को फिर से डबल प्राउड कराने वाली लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा और दिया मिर्जा में से दिया को फिल्म की हीरोइन के रूप में चुना था। ये उन रेयर मौकों में से था जब दोनों ब्यूटी पेजेंट विनर्स एक फिल्म में एक साथ नजर आई थी। इसके अलावा अंदाज में भी दो पेजेंट विनर्स प्रियंका और लारा दत्ता ने मिलके काम किया है। इस फिल्म के वक्त दिया मिर्जा बहुत फेमस थी, जिसका श्रेय जाता है रहना है तेरे दिल में की सक्सेस को। फिल्म में सलमान खान के दो किरदार अली और वीर सलमान खान की रियल लाइफ बहन अली वीरा के नाम के दो हिस्सों में करके बनाए गए थे। फिल्म में लेट एक्टर इंदर कुमार एक नेगेटिव रोल में नजर आए थे और उनको इस फिल्म के लिए अच्छी बॉडी बनाने के लिए सलमान खान ने बहुत मदद की थी। फिल्म इंडिया में तो फ्लॉप थी, मगर यूनाइटेड किंगडम्स में एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने के साथ कनाडा में एक अच्छी थिएट्रिकल रिलीज मिली थी फिल्म को। ये थी सलमान खान स्टारर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।